हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। बेटा तो ये आपकी वर्कशीट है, दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 9। और ये आपकी जो है 6 क्लास की हिंदी की नादान दोस्त भाग 2, यानी कि जो है नादान दोस्त जो आपका पार्ट है उससे ये आपकी दूसरी वर्कशीट है। तो आई होप बेटा आपने जो है वर्कशीट जो आपको नादान दोस्त पार्ट को रिवाइज कर लिया होगा पूरा, तो बहुत अच्छे हैं बेटा। अगर आपने कर लिया है तो आपको अच्छे से समझ आता रहेगा, अगर नहीं किया है तो फिर भी बेटा आप ज़रूर एक बार नादान दोस्त पार्ट को पूरा रिवीजन जो है उसका करें। ये बेटा वर्कशीट नंबर 9। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 22 अक्टूबर 2020 आपकी थर्सडे वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी जो है कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा था, यानी कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी किसकी है बेटा, लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते हैं। और अब आगे तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था बेटा कि केशव और श्यामा जो है दोनों ने देखा कि उनके कार्निस पर जो है एक चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं, लेकिन उनके मन में जो है तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो सवाल वो जो है किसी से पूछ नहीं पाते, और पूछते हैं तो उन्हें कोई जैसे उसकी मम्मी और उसके पापा को टाइम नहीं है। तो क्या होता है बेटा कि वो अपने आप ही अपने सवालों के जवाब देते रहते हैं और बहुत सारे अनुमान लगाते रहते हैं। तो चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं आगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। तकलीफ क्या होती है बेटा, तकलीफ होती है परेशानी। आगे है कि बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी कि प्रस्ताव क्या होता है बेटा, सुझाव, या जो उन्होंने आपस में सुझाव जो प्रस्ताव रखे थे आपस में, वो सुझाव भी उनके जो है सहमत हो गए उस सुझाव के लिए भी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल ले गई। जो है केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। देखिए बेटा उनके मन में क्या क्या क्वेश्चन उठते रहे कि जो है आखिरकार ये क्या हो गया बेटा कि छड़ी पर कपड़ा, मान लिया उन्होंने सोच लिया कि कपड़ा लगाएंगे धूप से बचने के लिए, लेकिन ये कपड़ा कैसे लगाएंगे, कैसे ठहरेगा, तो कैसे उन्होंने छड़ी खड़ी होंगी और उस पर जो वो कपड़ा लगा देंगे। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तेज धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब बेटा तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। क्या बेटा, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ढूंस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो देखिए बेटा हमने जो है गद्यांश को पढ़ लिया है, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको पहले पढ़िएगा। तकलीफ होती है बेटा परेशानी, प्रस्ताव होता है सुझाव, स्वीकृत होता है बेटा सहमत, उधेड़बुन सोच विचार, हिकमत होता है तकलीफ। आगे बेटा गद्यांश की बेस पर कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए हम करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चिड़िया के अंडों को धूप भी लगती होगी, इस उस पर केशव का ध्यान नहीं गया था। और इसके अलावा बेटा उनको प्यास भी लगती होगी, वो कैसे रहते होंगे, तो इन सारी चीज़ों पर उसका जो है ध्यान नहीं गया था। तो फिर ये हम लिखेंगे, चिड़िया के अंडों को धूप भी लगती होगी, इस पर केशव का ध्यान नहीं गया था।
आगे बेटा केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सूझे थे। तो क्या क्या सूझे थे बेटा, वैसे तो उनको बहुत सारे उपाय सूझे थे कि कैसे जो है छड़ी लेकर आएं, उस पर कपड़ा लगाएं और जो है उसको जो है रोशनी जाने से रोक सकें। लेकिन हम यहाँ पर जो है सिर्फ सिंपल वे में लिखेंगे, शॉर्ट वे में। केशव और श्यामा ने अंडे को धूप लगने से बचाने के लिए सोचा कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और फिर उन्हें एक कूड़े की टोकरी से अंडों के लिए छत बनाने की सोची। तो हम इसका आंसर बेटा कुछ सीमित शब्दों में ही देंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि जो है क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस होता है? ऐसी किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था, उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे थे। यानी कि देखिए किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कौतूहल उठता है तो यहाँ पर बेटा आपको जो है अपने अनुभव लिखने हैं, अपने विचार लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपको ये ऐसे कैसे नहीं लिखना है एज इट इज़। आपको अपने अनुभव लिखने हैं कि आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, मुझे पक्षियों को देखकर बार बार मेरे मन में सवाल उठता है कि काश ये जानवर बोल सकते और अपने मन की बात कहते, मुझे भी भूख लगी है या बीमार होने पर अपनी बीमारी बता पाते। तो हम ये बेटा मैंने यहाँ पर लिखे हैं अपने अनुभव, आप अपने अनुभव अपने आप लिखेंगे। आगे बेटा यदि आप उस जगह पर आप ही आपका परिवार होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। यानी कि देखिए बेटा केशव की जगह जो है और श्यामा की जगह अगर आप होते, आपका मित्र होता, तो आप जो है क्या क्या सोचते। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, आपको यहाँ पर अपनी थिंग्स लिखनी है, अपनी सोच लिखनी है, अपना अनुभव लिखना है। मैंने लिखा है कि हम सोचते कि इन्हें कोई हानि ना पहुँचे और ये जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि हम इन्हें उड़ते हुए और दाना चुगते हुए देख सकें। तो बेटा यहाँ पर मैंने अपने अनुभव लिखे हैं, आप यहाँ पर जो है कुछ भी और भी जैसा आपके मन में आता है आप वहाँ पर यहाँ पर ऐसे ही जो है अच्छा सा कुछ भी लिखेंगे। इसके बाद है बेटा कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाइए। तो कार्यपत्रक में चित्र को देखकर देखिए चित्र में क्या क्या दिया गया है बेटा। चित्र में देखिए ये बच्चे दिए, श्यामा है, ये कौन है, ये है केशव है, श्यामा है, इसके बाद चिड़िया है, घोंसला है, अंडे हैं, टहनी है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं बेटा। आपको इन पर क्या बनाना है, एक एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे देखिए, श्यामा, श्यामा खुश होकर बोली, कुछ भी लिख सकते हैं, श्यामा खुश हुई या खुश होकर बोली। इसके बाद केशव, केशव ने तेल जमीन पर गिरा दिया। अंडा, अंडा घोंसले में है। चिड़िया, चिड़िया को दाना लेने जाना है। टोकरी, टोकरी से अंडों की छत बनाई। तो यहाँ पर बेटा हम ऐसे कुछ ये संज्ञा जो है शब्द चुनकर और उनके हम वाक्य यहाँ पर ऐसे बना देंगे। आगे बेटा संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।